तेज बारिश और तेज हवाओं का असर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और मांडवी बीच के पास मौजूद इन दुकानों का हश्र बताते हैं कि समुद्री तट पर जब ये तूफान टकराया था तब इसका क्या हश्र रहा होगा। आम तौर पर जो लोग यहाँ पर थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, लेकिन उनके जो दुकान थे, उनके जो सामान थे, कुछ मूल्यवान वस्तुएं थी, वो यहीं पर मौजूद थी। और ऐसे में जो भारी बारिश और जो तेज हवा है उसने इनके सारे इनका जो पूरा जीवनचर्या था उसे उस पर इसका असर पड़ा है। लोगों के जो सर्वाइवल पर इसका असर साफ तौर पर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो प्रशासन ने लोगों को ज़रूर बचाया है, लेकिन उनके जो खाने पीने की व्यवस्था भी की होगी, लेकिन आगे जाकर जो उनके रहन सहन या फिर जो काम करते थे उस पर प्रभाव आप देख सकते हैं। जो समुद्र का बीच था, मांडवी बीच, वो अभी पूरी तरह से पानी में है और हम भी वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, लेकिन जो तेज़ हवाएं चल रही हैं उसके साथ एक अलग आवाज़ भी यहाँ पर सुनाई देने मिल रही है, जो ये बताती है कि ये तूफान कितना उसका असर है। और इन जगहों को देखिए, यहाँ पर जिस तरह से ये उखड़ गए हैं, कई जगहों पर लोगों के सब सामान है, जो खाने पीने के सामान थे वो बाहर पड़े हुए हैं, और कुछ जो दुकान थे लगभग तो वो पानी के अंदर गए हैं, कल तैरते हुए भी हमने देखा था। तो ये हश्र यहाँ पर है, और जिस तरह की हवाएं यहाँ पर चल रही हैं तो जो बारिश की बूंदें हैं वो भी ज़ोर से लगती हैं जो भी यहाँ पर खड़ा रहता है। तो इन दुकानों को देखकर आप समझिए कि जो साइक्लोन है उसका असर किस तरह से रहा है। लोगों को तो आपने बचा लिया, लेकिन उनका जो बिजनेस था, उनके सर्वाइवल के लिए जिस चीज़ का वो इस्तेमाल करते थे वो तबाह हो गया है। और उसके बाद एक बार फिर से उन्हें अपनी शुरुआत करनी होगी, शून्य से या ज़ीरो से वापस शुरू करना होगा। और ये वो लोग हैं जो अब तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं, सभी के सभी यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर किसी सुरक्षित स्थान पर मौजूद होंगे, और जब वो यहाँ पर आएंगे ये तूफान का जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, तब उनको उनके सामने एक चुनौती होगी अपने आप को फिर से खड़ा करने का, अपने आप को फिर से सर्वाइवल किस तरह से करें। उसके लिए भारी नुकसान तो कम से कम उन्हें उठाना पड़ रहा है। तो चक्रवाती तूफान से लोग बच गए हैं, लेकिन उनके जो यहाँ पर ठेले थे, उनका जो काम का यहाँ पर सामान था, वो पूरी तरह से इस तूफान ने तबाह कर दिया है। और आने वाले दिनों में इसे एक बार फिर से शुरू करना उन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। मांडवी से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।